हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज बना रहे हैं नमक पारे। तो यहाँ पे आटा ले ली थी, गेहूं का है। इसमें कलौंजी, अजवाइन, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। काफ़ी टेस्टी होता है और हेल्दी भी है, तो इसलिए मैंने सिर्फ गेहूं के आटे से ही बना रही हूँ। इसमें तेल डाल देंगे थोड़ा सा, इस तरह से। तेल डालने से बहुत ही खस्ता बनता है, तो इसलिए इसको अच्छे तरह से हम मिला लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो है मिल गया है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हम डाल के अच्छा से डो जो है तैयार कर लेंगे हम, नहीं तो इसको ज़्यादा गीला होना चाहिए और नहीं ज़्यादा कड़क होना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से सान के रेडी कर लेंगे। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो है गुथ के रेडी कर लिए। तो चलिए इसे हम इस तरह से छोटे छोटे जो है इस तरह से पेड़े जैसे बना के और इसे हम बेल लेंगे चिकना करते हुए। एक रोटी के जितना बेलने का है, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज का। तो देखिए इस तरह से हम बेल के रेडी कर लेंगे और इसको हम चारों तरफ से जो किनारे होते हैं ना उसको काट के निकाल लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और इसे आराम से 1 महीने तक भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। इस तरह से हम काट लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम इसे पतले पतले काटेंगे, इसे इस तरह से देख सकते हैं। जितना पतला काट सकते हैं तो उतना ही काफ़ी अच्छा इसका जो अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे हम काट के रेडी कर लेंगे, इसी तरह से सारा जो है काट लेंगे हम। ये देखिए और इधर तेल जो है गर्म होने के लिए रख दिए थे, तो तेल भी हमारा गर्म हो गया है। और यहाँ पे सारा नीमकी जो है मैंने काट लिए हैं, इसे चलिए तलते हैं इस तरह से। एक बार में जितना आएगा डाल देंगे, इसे चलाते हुए हम गोल्डन होने तक पकाएंगे। देखिए इस तरह से। इस पे गैस का फ्लेम हाई भी रख सकते हैं, जलने का टेंशन नहीं रहता है क्योंकि ये बहुत ही पतला है और इतना सारा है तो जलेगा नहीं। तो देखिए इस तरह से कलर जो है थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पूरा गोल्डन जब हो जाएगा तो इसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए काफ़ी अच्छा सा कलर जो है चेंज हो चुका है, अच्छा सा कलर आ गया है, तब इसे हम निकाल लेंगे। और इसी तरह से सारा जो है तल के हम रेडी कर लेंगे। आज का ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए यहाँ पे है सारा जो हम बना के रेडी कर लिए हैं, इस तरह से देखिए बहुत ही खस्ता बन के रेडी हुआ है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।